देखिए दोस्तों, हमारा पनीर बनके तैयार हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही आप भी बना के घर पर ट्राई जरूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आप लोग को बनाना सिखाते हेलो माय हैं। यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमने हरा मटर ले लिया है, यहाँ पे पनीर लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर काट लिया है, यहाँ पे लहसुन प्याज मिर्चा को काट लिया। चलिए हम बनाने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया, अब इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है दोस्तों, अब इसमें डालेंगे हम जीरा। आप लोग देख सकते हैं जीरा पक चुका है, अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद इसमें डालेंगे लहसुन जो बारीक काट लिए हैं। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज को भी मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, प्याज भून चुका है, इसको ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने वाले अच्छे से भून लेंगे। आप लोग देख सकते हैं सारा टमाटर गल चुका है, अब इसको हम पेस्ट बनाएंगे। देखिए दोस्तों, इन सबको हमने कटोरी में निकाल लिया है, अब इसको हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने कितना अच्छा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ फिर हम कढ़ाई में तेल डाल के गर्म कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। देखिए जीरा भून चुका है, अब इसमें डालेंगे पेस्ट को जो हमने बनाया है। इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसे ही भूनने देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, पेस्ट भी भून चुका है, अब इसमें डालेंगे हम पनीर मसाला। इसमें हमने लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है, अब इसको इसमें डाल देंगे हम। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त कलर आ चुका है, अब इसमें डालेंगे हम हल्दी। अब अपने स्वाद अनुसार नमक को भी डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, कितना मस्त कलर आ चुका है, अब इसमें डालेंगे हम हरा मटर। मटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अब 2 मिनट तक ले ऐसे ही पकने देंगे इसको। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको ऐसे ही 5 मिनट तक ले ढक देंगे ताकि मटर पक जाए। देखिए दोस्तों, सारा पेस्ट पक चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे पनीर को। पनीर डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसको 2 मिनट तक भी हम ढक देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा पनीर बनके तैयार हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही आप भी बना के घर पर ट्राई जरूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आप लोग को बनाना सिखाते हैं।